गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। सो चिल्ड्रन, लास्ट क्लास वी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 11, यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड डे। एंड यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड डे आर इंटरनेशनल वुमेन डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल अर्थ डे एंड लास्ट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ओके, सो स्टूडेंट, टू बी कंटिन्यू इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल अर्थ डे, मीन्स अंतरराष्ट्रीय ओके डे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अप्रैल। अर्थ डे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट रिमाइंड फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड अबाउट द क्रिटिकल नीड टू प्रोटेक्ट अवर प्लानेट। देखिए, जो इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेट होता है वो एवरी ईयर 22 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस प्रकार हमारी जो अर्थ है, हमारा जो वर्ल्ड है, उन्हें हमारे प्लानेट को जरूरत है उनको प्रोटेक्ट करने की, अर्थ को प्रोटेक्ट करने की। अर्थ डे इज अ टाइम टू अनटाइड अराउंड न्यू एक्शंस। वो जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, एक्शंस में भी अनटाइड हो रही है, खराब हो रही है। अर्थ डे एंड एवरी डे इज अ टाइम टू एक्ट टू प्रोटेक्ट अवर प्लानेट। और यही अर्थ डे के दिन हमें बताया जाता है किस प्रकार हमारे प्लानेट को, अर्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑन दिस डे मेनी एक्टिविटीज आर कैरिड आउट लाइक रैलीज, प्रॉमिस ऑफ लेटिंग नेट देम ग्रो। और इस दिन बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, प्रॉमिस लिए जाते हैं कि किस प्रकार हम उन्हें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अ टाइम टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, और प्लास्टिक बैग को यूज करने के स्टेप, प्लास्टिक बैग को यूज ना करना उसके स्टेप, किस प्रकार हमें क्या क्या चीजें अर्थ को बचाने के लिए यूज करना है। लिटरिंग अवर रोड्स एंड वेस्टिंग वाटर, वेरियस कंपेन आर कैरिड आउट टू क्लीन अप टू सराउंडिंग टू ऑर्डर टू मेक द अर्थ अ बेटर टू हेल्दी प्लेस टू लाइव। देखिए, जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के जो कैंपेन लगते हैं उसमें यही बताया जाता है किस प्रकार हमारे अर्थ को साफ रख सकते हैं और जिससे वो हम उसके रिस्क पे रहने लायक अच्छे से रह सके। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर। ये हर एवरी ईयर हर साल 8 सितंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमोंग द पॉपुलर अबाउट लिटरेसी। और ये त्यौहार, ये डे इस प्रकार इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए उनकी साक्षरता के लिए। लिटरेसी डे वॉज डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1965। देखिए, लिटरेसी डे किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था, यूनेस्को के द्वारा 1965 में डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। द नेशनल लिटरेसी मिशन हैज कॉइन्ड द स्लोगन ईच वन टीच वन। तो देखिए, जो नेशनल राष्ट्रीय लिटरेसी डे मिशन था, उनका स्लोगन था ईच वन टीच वन, मीन्स हर एक किसी एक को सिखाए। इन दिस एक्टिविटी द यंग स्कूल चिल्ड्रन अलोंग विद देयर टीचर्स गो टू स्लम एरियाज और विलेजेस ड्यूरिंग देयर कम्युनिटी सर्विस पीरियड ड्यू टू मेक द पीपल ओवर द देयर एटलीस्ट रीड एंड राइट। और इसके द्वारा बताया गया था कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं या जो गांव में रहते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए टीचर्स वहां जाएं, उनके एरिया में उन्हें जाकर पढ़ाएं और उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाएं। लिटरेसी हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द डिप्राइव्ड एंड मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। और इनके द्वारा इम्प्रूविंग किया गया की गई कि कोई भी राज्य का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और लोग इसके ज्यादा से ज्यादा अपना अधिकार लें। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर डे, यानी विश्व जल दिवस। इट इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 22। ये डे हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। द डे फोकस अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड एडवोकेट्स फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स। इस दिन फोकस किया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर में इम्पोर्टेंस रखें एंड फॉर द सस्टेनेबल, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर पीने के लिए मिले, उसके सोर्स मिले। दिस डे वाज फर्स्ट नॉर्मली प्रपोज्ड ऑन अगस्त 21, 1992 यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो। इस दिन को सबसे पहले 21 अगस्त 1992 को सेलिब्रेट किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा, डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो में सेलिब्रेट किया गया था।
In 1993, the first World Water Day was designed by the United National General. और 1993 में फर्स्ट वाटर डे डिजाइन किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल के द्वारा असेंबली एंड सीन्स ईच ईयर फोकस ऑन डिफरेंट इशूज और आज तक उनके बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को इशू को फोकस किया जा रहा है. द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे इज ऑल्सो यूज टू हाईलाइट रिक्वायर्ड इम्प्रूवमेंट्स फॉर ओकस टू वॉस और इसके द्वारा वर्ल्ड वाटर डे के द्वारा हाईलाइट किया जाता है सारी जरूरतों को इम्प्रूव किया जाता है जैसे वाटर सैनिटेशन हाइजीन फैसिलिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज. हर एक कंट्रीज में फ्रेश वाटर मिले, हाई सैनिटेशन रहे, सब लोग शुद्ध रहें, हाइजीन रहे, स्वस्थ रहें. ओके, नेक्स्ट डे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस. इंटरनेशनल वुमेन डे इज ग्लोबल डे सेलिब्रेटिंग द सोशल इकोनॉमिक कल्चर एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ वुमेन. ये डे हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और ये डे ग्लोबल डे पूरे पृथ्वी पर इकोनॉमिक अर्थशास्त्री कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट जिन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल कही है उनके बारे में उनके लिए सेलिब्रेट किया था. इट इज द डे ऑल्सो मार्क्स अ कॉल टू एक्शन फॉर द बेटरमेंट फॉर द वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरनेशनल वुमेन डे इज अ कलेक्टिव डे ऑफ ग्लोबल सेलिब्रेशन एंड कॉल फॉर जेंडर प्रायोरिटी. और जो वुमेन डे सेलिब्रेट होता है वो महिलाओं की उनकी अचीवमेंट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उन्हें किस हर एक कदम पर सभी प्रकार के राइट्स मिले, अधिकार मिले, उनकी प्रायोरिटी को रखा जाता है, ध्यान दिया जाता है. नो वन गवर्नमेंट, एनजीओ, चैरिटी, कॉरपोरेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वुमेन्स नेटवर्क और मीडिया हाउस सोशल सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे. और ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट में या सरकार में, एनजीओ के द्वारा या चैरिटी कॉरपोरेशन के द्वारा या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या शिक्षा के क्षेत्र में वुमेन्स नेटवर्क जो महिलाओं का नेटवर्क है वो सभी जगह फैला हुआ है, एक मीडिया हब बन गया है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑन दिस डे अवर सोसाइटी टेक वन ऑथ ऑन दिस डे अवर सोसाइटी टेक ऑन ऑर्थ फॉर अफ्लिप मीन्स जो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के जागरूकता के लिए जो वर्क किया जाता है जिसमें वेरी मिसरेबल कंडीशन जिनकी बहुत दयनीय स्थिति होती है उन्हें भी का वर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनके लिए भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ. इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.